Very good morning class. How are you? I am Sangeeta teacher. And today I will teach you Hindi first class. So take out your book class. And today I will teach you Hindi first. Chapter 19 Swami Vivekanand. So let's start. बच्चों ये स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी है और इसमें स्वामी विवेकानंद के जीवन से परिचित जो भी इनका जीवन परिचय है उनसे परिचित कराना है और हमें इनके जीवन से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए ये हमें बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन क्या है, हम भारत हमारा देश है। तो आप सबको पता है कि हमारा देश का क्या नाम है, भारत। इस देश में अनेक महापुरुष पैदा हुए हैं, यानी कि महान पुरुष जन्म लिए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से अपने से पूरे देश का नाम रोशन किया है। इन महापुरुषों में तो पूरे देश का नाम रोशन किया, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता से पूरे देश का नाम रोशन किया है। इन महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्वामी जी ने गुलाम भारत में देशवासियों को जागरण का संदेश दिया था और इन्होंने युवकों को संबोधित करते हुए कहा था, युवकों उठो जागो, शुभ मुहूर्त आ गया है। मुहूर्त मीन्स समय, कि युवक आप उठो और जाग जाओ कि आपका अच्छा समय आ गया है, सब चीज़ें अपने आप तुम्हारे सामने खुलती जा रही हैं। सम्मान हिम्मत करो और डरो मत, यानी कि आपको जो भी करना है अभी आपका अच्छा समय आ गया है, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाते हुए उस काम को पूरा करो, डरो मत। ठीक है, स्वामी जी ने इन विचारों से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। इन्होंने मेट्रोपॉलिटन स्कूल में प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण करके स्कॉटिश कॉलेज में एफए तथा बीए की परीक्षा पास की थी। नरेंद्रनाथ में विद्यानुराग प्रबल था, यानी कि ये पढ़ने के प्रति बहुत ही क्या थे, इनके अंदर पढ़ने की बहुत ललक थी। उनके कॉलेज के प्राध्यापक विलियम हेस्टी उनकी प्रतिभा से मुग्ध होकर कहा करते थे, नरेंद्रनाथ सचमुच ही प्रतिभाशाली है, मैं बहुत स्थानों पर घूमा पर इनके अनुरूप बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा कहीं नहीं देखी। उनका कहना था कि मैं कई जगह पे गया और कई लोगों से मिला, लेकिन नरेंद्र की तरह कोई भी इनको नहीं मिला। यहाँ तक कि जर्मनी के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले दर्शन के छात्रों में भी नहीं, यानी कि वो जर्मन तक सफ़र किए लेकिन इनको नरेंद्रनाथ की तरह कोई भी छात्र नहीं मिला। अब टर्न करते हैं पेज, नेक्स्ट देखते हैं। विलियम हेस्टी से ही नरेंद्रनाथ ने सर्वप्रथम रामकृष्ण परमहंस के विषय में जाना। विलियम हेस्टी से ही, यानी कि नरेंद्रनाथ ने क्या जाना था, रामकृष्ण परमहंस के विषय में जाना था कि क्या होता है। किसके द्वारा जाना था, विलियम हेस्टी से। सन 1881 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण को अपने जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में ग्रहण किया। कब किया था, 1981 में उन्होंने रामकृष्ण को अपने जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में ग्रहण किया। रामकृष्ण ने प्रभावित होकर इन्होंने सन 1887 ईस्वी में संन्यास ग्रहण कर लिया, यानी कि जब वो विलियम हेस्टी के द्वारा उन्होंने जब रामकृष्ण परमहंस के बारे में जाना तो ये इनको अपना जीवन का पथ प्रदर्शक के रूप में ग्रहण किया और वो इतना प्रभावित हो गए कि वो सारी चीज़ों से संन्यास ग्रहण कर लिए। संन्यास लेने के बाद नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद से विख्यात हो गए, यानी कि जब उन्होंने संन्यास लिया 1887 ईस्वी में
तो उन्होंने उनका नाम क्या हो गया, नरेंद्र नाथ से हो गया स्वामी विवेकानंद के नाम से ये विख्यात यानी कि प्रसिद्ध हो गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की देखरेख में विवेकानंद ने अध्यात्म की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त की। अध्यात्म मतलब होता है बच्चों आत्मा परमात्मा संबंधी विचार, ठीक है। तो जब रामकृष्ण की परमहंस के देख रेख में थे तो इन्होंने आत्मा परमात्मा संबंधी जो भी विचारधाराएं इनको मन में आती थी इसके बारे में इन्होंने बहुत ही अधिक जानकारी प्राप्त कर ली थी। अपने गुरु की मृत्यु के पश्चात यानी जब इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जो है मृत्यु हो गए तो उसके पश्चात विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्हीं के नाम से उन्होंने क्या क्या किस मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और यह संस्था आज भी देश और विदेश में बड़ा प्रशंसनीय कार्य कर रही है यानी कि बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है जिससे उसकी प्रशंसा हो रही है। 11 सितंबर सन 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। धर्म सभा मतलब होता है बच्चों धर्म संबंधी विचार करने वाली सभा। तो शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में इन्होंने एक धर्म सभा आयोजित की थी जहाँ पे धर्म संबंधी विचार उन्होंने अपने रखे थे जिस और उसमें किसका प्रतिनिधित्व किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी जी ने अपने भाषण का प्रारंभ अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों से किया था। उन्होंने वहाँ पर क्या कहा था अमेरिका निवासी को, बहनों और भाइयों के संबोधन से किया। यह संबोधन सुनते ही वहाँ ऊपर से 7,000 श्रोताओं मतलब होता सुनने वाले ने करतल ध्वनि का स्वागत किया। करतल ध्वनि मतलब होता है ताली की आवाज़, जैसे हम लोग ताली बजाते हैं ना, तो वहाँ के जो सुनने वाले लोग थे तो उन्होंने करतल ध्वनि से यानी कि अपने तालियों से उनका स्वागत किया। 2 मिनट तक चलने वाले इस करतल ध्वनि के बाद स्वामी जी ने अत्यंत गंभीर धर्म संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके व्याख्यान में सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव था। जब भी वो व्याख्यान करते थे तो ये नहीं किसी एक धर्म को लेकर बात करते थे, वो सभी धर्मों को समान मानते थे और सभी धर्म के प्रति उनका आदर भाव बना रहता था और उसी अनुरूप वो अपना विचार व्यक्त करते थे। 27 सितंबर तक चलने वाली इस धर्म सभा में प्रतिदिन के स्वामी जी के उदार एवं तर्कयुक्त चिंतन से पूर्ण व्याख्यान ने उन्हें सबसे प्रभावशाली वक्ता बना दिया था, ठीक है बच्चों। शिकागो के राजपथों पर उनके चित्र सुशोभित हुए, सभी समाचार पत्र उनकी प्रशंसा से भर गए। शिकागो के राजपथों पर, राजपथों का मतलब होता है मुख्य मार्ग, अमेरिका के जो शिकागो था वहाँ के जो रास्ते थे मुख्य मार्ग था, वहाँ पे इनके चित्र को क्या हुआ, जैसे पोस्टर चिपका दिए जाते हैं ना उसी प्रकार इनके चित्र सुशोभित हो गए और सभी समाचार पत्र में उनकी प्रशंसा यानी कि उनकी तारीफ, जितने भी पेपर थे न्यूज़पेपर जैसे होता है वैसे ही समाचार पत्र को जैसे हम लोग उस वक्त जानते थे वहाँ पर उनकी प्रशंसा से उनको भर दिए गए थे। नए भारत के निर्माण में स्वामी जी का अत्यधिक योगदान है यानी कि जो नया भारत हमारा बना उसमें स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। वे आधुनिक भारत के सृष्टा भी कहा हैं यानी कि सृष्टा मतलब होता निर्माण करने वाला, तो वो आधुनिक भारत के निर्माणकर्ता भी हैं। उन्होंने अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे हैं, ये सभी आज भी बहुत उपयोगी है। हमें इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। 4 जुलाई सन 1902 को अल्प आयु में ही स्वामी जी ने देह त्याग दिया यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 4 जुलाई सन 1902 को अल्प आयु में, माने कि उनकी अभी बहुत ज़्यादा एज नहीं थी फिर भी जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों ये थे स्वामी विवेकानंद के बारे में जीवनी, आपको कैसी लगी, आई होप अच्छी लगी होगी। हमें इनके संस्कारों से बहुत जो है संस्कारों से ओतप्रोत थे, हमें इनके जो भी प्रेरणा थी जो भी इनके संदेश थे हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए और अपने जीवन में ग्रहण करनी चाहिए और हमें इन महापुरुषों के जीवन से बहुत ही अधिक शिक्षा लेनी चाहिए। इनके बनाए प्रस्तुत किए गए जो किताबें हैं उन्हें हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही और हम आपको PDF इसका एक्सरसाइज का भी सेंड कर दे रहे हैं, इसमें वर्ड मीनिंग दिया है इसको आप लोग कॉपी में देख के राइट कर लीजिएगा और
पिछले वीडियो में जो हमने आपको पढ़ाया था अभिमन्यु, इसका कल हमने आपको PDF सेंड कर दिया था। आई होप आप लोग राइट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आप लोग वर्ड मीनिंग अभिमन्यु का राइट कर लीजिएगा और उसका PDF हमने कल सेंड कर दिया, वो भी राइट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।